शहाब सहारा इंडिया वालों से हमारे पैसे डलवा दो। मंगलवार को जन सुनवाई में लोगों ने उस समय हंगामा कर दिया जब वो सहारा इंडिया से अपने रुपए वापस मांगने की गुहार लगा रहे थे। आपको बता दें कि सहारा के निवेशकों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की। और निवेशकों का कहना था कि शिवपुरी जिले की शाखा में लगभग 250 करोड़ रुपया निवेशकों का जमा है जो बीते 5 सालों से नहीं मिला। मामले को लेकर FIR भी दर्ज करवाई लेकिन पुलिस और ना ही शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही की। अब सहारा इंडिया ऑफिस वाले अपने ब्रांच को समेट कर भोपाल इंदौर ले जाने के विचार में हैं। हमारा रुपया कंपनी से दिलवाने में मदद करें। शर्मा कहाँ से आए हो? हम शिवपुरी सेक्टर और ग्वालियर रीजन और भोपाल जोन के अंतर्गत सहारा इंडिया से प्रताड़ित सभी निवेशक और एजेंट साथी हैं जो पिछले 2016 और 17 से सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही। और आज जो इजूम देख रहे हैं आप, तो वर्तमान में शिवपुरी सेक्टर के करीब 15 से 16 हज़ार निवेशकों का 250 करोड़ रुपए शिवपुरी, करेरा, पिछोर और खनिया दाना, बैराड़ एवं अन्य जो सरसौत एवं अन्य जगह जो सेंटर हैं उन सभी में फंसा हुआ है। इसके पहले हम 2018 से कई बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। इस वक्त पैसे साहब जवाब कैसे 3 साल हो गया पैसे नहीं मिले साहब, शादी बच्ची थी पैसे छोटा मोटा धंधा करता हूँ। आपने इसकी शिकायत की? की है। क्या कहना है उनका? उनके नाम पैसे नहीं मिले। अगर आपको पैसे नहीं मिले, आपकी बेटी की सारी देव उड़ने के बाद है, तो फिर कैसे करोगे आप शादी? आप बताइए आप कैसे कर रहे हैं? आप मेरे को जवाब नहीं आ सकता, दवाई जा रहा हूँ, दवाई चल रही है, टेंशन की साहब। मैं पूछ दे रही रकम पटाऊँगा, बात मांग रहे रकम है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्ची हैं। मकान घर का है कि किराए का है?